दोस्तों बजाज का ये 5 कंपनी के बारे में बात करेंगे, तो आगे देखते रहो कि कौन कौन से 5 कंपनी के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो कंपनी है दोस्तों वो है बजाज फाइनेंस। तो यहाँ पर देख सकते हो बजाज फाइनेंस कंपनी का करेंट प्राइस क्या है दोस्तों, ठीक है, 5,362 रुपीज़ है। और कंपनी का एक्स रेट देख सकते हो कितना है, ठीक है, एक्स रेट देख सकते हो। और कंपनी का डिविडेंड का परसेंटेज कहा जाए दोस्तों तो 1000% डिविडेंड अनाउंसमेंट क्या है, जो 20 रुपीज़ होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप जानते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, तो बजाज फाइनसर्व कंपनी ने भी हाल ही में डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। तो 11,400 रुपीज़ कंपनी का करंट प्राइस है। और कंपनी का नाम तो देख ही सकते हो, कंपनी का एक्स रेट दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर सेम डेट है, बजाज फाइनेंस और बजाज फाइन सर्विस दोनों का एक्स डेट सेम ही है दोस्तों। और यहाँ पर डिविडेंड अमाउंट भी आपको दिखने को मिल रहा है कि 4 रुपीज़ का डिविडेंड इसने अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। तो आप जानते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, बजाज ऑटो कंपनी ने भी हाल ही में डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। तो कंपनी का करेंट प्राइस देख सकते हो 3,871 रुपीज़ है। और कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है 140 रुपीज़ दोस्तों, ठीक है, यानी 140 कंपनी का जो डिविडेंड है वो दोस्तों 1,400% है दोस्तों, ठीक है। तो आप जानते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में जो है बजाज होल्डिंग। तो बजाज होल्डिंग के बारे में कहा जाए दोस्तों तो 4,900 रुपीज़ कंपनी का करेंट प्राइस है। और कंपनी का नाम देख सकते हो और कंपनी का एक्स डेट यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है। और डिविडेंड अमाउंट के बारे में कहा जाए दोस्तों तो 20 रुपीज़ कंपनी का डिविडेंड है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि बजाज इलेक्ट्रिकल, तो बजाज इलेक्ट्रिकल जो कंपनी है उसका प्राइस है दोस्तों 950 रुपीज़। और कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है दोस्तों 3 रुपीज़ का, जो इसका फेस वैल्यू का देख सकते हो कितना परसेंट है। और कंपनी का एक्स डेट कहा जाए दोस्तों तो 28 जुलाई है कंपनी का एक्स डेट। तो आई होप ये 5 कंपनी के बारे में आपको पता चला कि ये 5 कंपनी आपको आने वाले टाइम में डिविडेंड देगा, वो भी बजाज कंपनी का ही, ठीक है, बजाज का जो 5 कंपनी है। तो अब आपको ही डिसाइड करना है कि क्या इस कंपनी में से कौन से कंपनी में पैसा लगाना बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो 5,000 का कंपनी 20 रुपीज़ दे रहा है, यहाँ पर 11,000 का कंपनी 4 रुपीज़ दे रहा है, और यहाँ पर दोस्तों बजाज ऑटो का कंपनी 100 रुपीज़ से भी ज़्यादा दे रहा है, और उसका प्राइस भी देख सकते हो क्या है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो डिविडेंड के हिसाब से कहा जाए तो बजाज ऑटो ही सबसे हाईएस्ट डिविडेंड आपको पे करेगा, और वह भी जून माह का 6 यानी जून माह का 30 तारीख की लास्ट डेट है कह सकते हो। तो 30 तारीख से पहले आपको इसका शेयर को बाय करना होगा, तभी इसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिला। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।